सो गाइस कैसे हो सभी, स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो भाई जैसा कि आपको पता होगा इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का न्यू अपडेट आ चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गेम का ऑल न्यू चीट कोड एंड RGS टूल के न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम अपनी हेल्थ को इनफिनाइट कर लेते हैं, क्योंकि भाई अभी जो डायनासोर आया है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ से हमने अपनी हेल्थ को इनफिनाइट कर दिया। तो चलो गाइस, यहाँ से हम सबसे पहले स्पॉन करते हैं न्यू थार। तो इसका चीट कोड है 9191। इस कोड को जैसे आप एंटर करोगे तो आपके सामने न्यू थार आ जाएगी। ये देखो, ये है न्यू थार। भाई कितना मस्त लग रही है, इसमें थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन नहीं की गई है। अगर आप मॉडिफिकेशन वाली थार को स्पॉन कराना चाहते हो तो उसका चीट कोड है 9090। वो तो पहले से ही है, लेकिन इस वाले अपडेट में ये नई थार ऐड हुई है जो आप देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है। इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ से आ करके। ये देखो, यहाँ से जो भी कलर आप करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। आ जाओ, इस वाले थार को मैं थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, काफी खतरनाक चल रही है। तो अगर आप इस थार को स्पॉन करना चाहते हो तो इसका चीट कोड है 9191। तो गाइस, इस अपडेट में एक बोट भी ऐड की गई है। आज मैं आपको इसका चीट कोड बता देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आपको 3001 इसको जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक बोट आ जाएगी। फर्स्ट टाइम इस गेम के अंदर कोई बोट ऐड की गई है। तो आ जाओ, इस बोट को चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसमें बैठ गया और अगर हम इसको चलाते हैं तो गाइस इसके अंदर एक ग्लिच अभी चल रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है भाई जो पानी है इसके अंदर से जा रहा है। हो सकता है कुछ अपडेट आने के बाद ये ग्लिच फिक्स कर दिया जाए। और इसमें बोट कंट्रोल थोड़ा कम होती है। और ये क्या हुआ भाई, ये तो पलट ही गई। आ जाओ गाइस, अब मैं आपको एक बाइक स्पॉन करके दिखा देता हूँ जिसका नाम है R15। इसका चीट कोड है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, 0015 इसका चीट कोड है। अगर आप एंटर करोगे तो आपके सामने ये बाइक आ जाएगी। एंड यहाँ पर बाइक देखो भाई, अब कितना ज़्यादा खतरनाक लग रही है। पहले तो यार पुरानी वाली थी, अब नई कर दी गई है। आज मैं आपको इस बाइक को चला के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, इस बाइक को अगर हम चला रहे हैं तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है भाई, हीरो लग रहा है यार। ये देखो, काफ़ी तगड़ी बाइक बना दी गई है भाई इस अपडेट में। और गाइस, इस अपडेट में एक और बाइक को रिप्लेस की गई है जिसका नाम है RS200। इसका चीट कोड है 5000। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपके सामने ये वाली बाइक आ जाएगी। और ये देखो भाई, ये भी बहुत ही खतरनाक होगी। ये पहले पुरानी वाली थी बट अब इसको रिप्लेस करके नई कर दी गई है गाइस, जिसका चीट कोड है 5000। इसको अगर हम चलाएं यहाँ से, आ जाओ इस वाले रैंप से इसको कुदाते हैं, देखते भाई कितनी दूर जाएगी। लेट्स गो। अब भाई मैं तो यही रह गया, बाइक चली गई यार, ये क्या सीन हो गया। मुझे लगा था भाई मैं भी साथ में जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी गलत हो गई। आज मैं आपको एक और नया चीट कोड बता देता हूँ, एक डॉग का। ठीक है, ये तो पहले से था ये चीट कोड, ठीक है, ये डॉग भी पहले से था, लेकिन इसमें एक नया फीचर ऐड किया गया है। इस डॉग का चीट कोड है 600। इसके पास में जाओगे तो आप इस वाले डॉग पे बैठ के राइड कर सकते हो। ये देखो, देख सकते हो कैसा भाग रहा है। लेकिन इसमें एक और नया फीचर ऐड किया गया, इसमें तो अब आप बैठ सकते हो लेकिन इससे आप लोगों को कटवा भी सकते हो NPC को। ये देखो, इसको मैंने कटवा दिया ख़त्म। यहाँ पर एक और NPC जा रहा है तो इसको भी मैं इससे कटवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो ये देखो, इसको काट रहा है भाई। यहाँ पर ये जो जिससे हम फाइट करते हैं ना, इस वाले बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो ये डॉग काटने लग जाएगा। लेकिन इस डॉग को आपको NPC के पास लेके जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये NPC है, अगर मैं इसको इसके पास इस वाले डॉग को लेके जा रहा हूँ और इस बटन को दबा रहा हूँ तो ये देखो, ये काटने लग जा रहा है। तो इस डॉग पर बैठ के राइड भी कर सकते हो और NPC को कटवा भी सकते हो। हाँ तो गाइस, आ जाओ अब मैं आपको डायनासोर्स के चीट कोड बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्पॉन करके दिखा देता हूँ वेलोसिरेप्टर को। तो यहाँ पर इसका चीट कोड है 50। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 50 डायल करोगे तो आपके सामने यहाँ पर वेलोसिरेप्टर आ जाएगा। ये देखो, लेकिन इस पर आप मतलब बैठ के इस पर राइड नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको 5050 दबा के दूसरे वाले डायनासोर को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पर आप बैठ के राइड कर सकते हो। ये वाला भाई बहुत ही खतरनाक है। अगर मैं यहाँ पर इन्फिनाइट हेल्थ नहीं लगाया होता ना तो ये हमको मार देता। हाँ तो गाइस, आ जाओ अब मैं आपको T-Rex डायनासोर के चीट कोड बता देता हूँ। इसका चीट कोड है 51। जी हाँ, 51 डायल करके एंटर करोगे तो आपके सामने T-Rex डायनासोर आ जाएगा। ये देखो भाई कितना बड़ा है, लेकिन हाँ इससे भी बड़ा डायनासोर है भाई। अभी मैं आपको उसका चीट कोड बताता हूँ। अभी के लिए गाइस देखो ये कितना बड़ा लग रहा है। अब आ जाओ मैं आपको स्पाइनो डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ। हाँ तो गाइस, आ जाओ मैं आपको स्पाइनो डायनासोर का चीट कोड बता देता हूँ। इसका चीट कोड है 52। इस कोड को जैसे एंटर करोगे तो आपके सामने स्पाइनो डायनासोर आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमने इन्फिनाइट हेल्थ नहीं लगाया होता ना तो ये हमारे ऊपर अटैक करके तुरंत मार देता भाई। तो मेरा रिकमेंड यही है कि जब भी इसको स्पॉन करो तो इन्फिनाइट हेल्थ लगा करके ही स्पॉन करो। अगर आपको मरना है तो वैसे कर सकते हो।
हाँ तो गाइस आ जाओ अब मैं आपको सबसे बड़े डायनासोर को स्पॉन करके दिखाता हूँ। इसका चीट कोड है 53। इस कोड को एंटर करने के बाद आपके सामने सबसे बड़ा डायनासोर आ जाएगा। ये देखो भाई कितना बड़ा डायनासोर है यार, सबसे ज्यादा बड़ा है, टीरेक्स से भी बड़ा है। इसका गर्दन सबसे ज्यादा बड़ा है भाई, ये देखो स्पाइनो भाई एक साथ चल रहे हैं। तो आ जाओ गाइस अब मैं आपको आरजीएस टूल के नए फीचर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी फोन को ले लेता हूँ और यहाँ से आरजीएस टूल को ओपन कर लेता हूँ। एंड अबे क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा गाइस यहाँ पर मैं डी दबा के रखा था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अटैक लिखना है, ठीक है। जैसे आप अटैक लिख के ओके कर दोगे और यहाँ से ओके कर दोगे तो यहाँ पर ये देखो टारगेट मोड ऑन। अब हमें यहाँ पर स्पाइनो को दोबारा से स्पॉन करना होगा। चलो गाइस यहाँ पर स्पाइनो को मैंने स्पॉन कर दिया दोबारा से। अब अगर मैं किसी को मार रहा हूँ तो अब ये जाके उसको मारेगा। जैसे कि इसको मैं मार रहा हूँ तो ये देखो गाइस अब ये स्पाइनो दूसरे स्पाइनो को मारने लगा। अब अगर आप किसी के ऊपर फायर करोगे तो ये जाके उसको मार देगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो डायनासोर है ना ये वाला, अगर मैं इसको मार रहा हूँ तो ये जाके इसको भी ख़त्म कर देगा। ये देखो जा रहा भाई काफ़ी स्पीड में, अब ये इसको भी मार देगा। ये देखो मारने लगा और थोड़ी देर के बाद इसको भी ख़त्म कर देगा। ये देखो भाई गया। तो इस आरजीएस टूल के फीचर से तुम किसी को भी इस तरह से टारगेट लॉक करके उसको मरवा सकते हो। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो आरजीएस टूल में जा करके अटैक ऑफ लिख दो तो ये बंद हो जाएगा। अब तुम किसी को भी मारोगे तो ये उस पे अटैक नहीं करेगा। तो चलो गाइस इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का कोई मिथ पता हो तो कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।